नाम ब्रिज बंसवाल है। मैं स्पेसिफिकली स्कूल में टीचर हूँ, ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैंने फेसबुक में देखा था, आपको फॉलो किया, उसके बाद मेरे ही स्कूल में एक टीचर ने बताया कुंभक के बारे में। उसने जस्ट वन डे ऐसे बोला, मैम कुंभक मैंने भी देख रही हूँ और मुझे वो एक्सरसाइज बहुत लग रही है। तो मैंने उसको उसी वक्त पकड़ा और मैंने बोला, पुष्पा एक बार दोबारा बोलो क्या बोला। एंड देन मैंने उसको फॉलो करते करते, मैंने बहुत बार बार मैं फेसबुक पे फॉलो करती गई और मैंने फिर इमिडिएटली आपको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं पहले, मुझे लगा इट्स डिफिकल्ट कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने ये पहले भी क्वेश्चन किया था कि टाइम का, ब्रेकफास्ट का, वाटर का, टी का सब गैप। लेकिन करते करते लगा नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार अगर हम ठान लें तो जरूर अच्छा होता है। मुझे थायराइड है, मुझे हाई बीपी है, लेकिन आज मुझे टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड कंट्रोल में आया और मेरी जो मेडिसिन थी वो 150 से 125 पे आ गई। इवन डॉक्टर ने बोला और कम होगी। मेरा बीपी कंट्रोल्ड है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, तो मेरे ऑलमोस्ट टेस्ट जितने आए हैं उसमें पॉजिटिविटी है और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। इसीलिए मुझे लगा कि ये जो टर्म्स है कि डिटॉक्स करना है, अपने आप को टाइम देना है या मेरी एंजाइटी रिलीज होनी है, सर ने मुझे एडवाइस करी। तो होप ये करती हूँ कि मैं अगर इस कुंभक को कंटिन्यू अपनी लाइफस्टाइल का पैटर्न बना लूंगी तो मुझे उम्मीद है मैं और बेटर फील करूंगी। ऑल्दो तो मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन मैं बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को और उम्मीद करती हूँ मेरा वेट भी रिड्यूस होगा इससे। सो मैं थैंक यू कुंभक को और पूरी टीम को करती हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच।